बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन कर दिया है। कांतिलाल भूरिया इस समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, विवेक तनखा, नकुल नाथ, सज्जन सिंह वर्मा, ऐसे कुल 32 सदस्य इस समिति में हैं। सदस्यों के अलावा सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको देते हैं, बड़ा चुनावी अपडेट भी इसे आप कह सकते हैं। कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। कांतिलाल भूरिया चेयरमैन बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया, उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो तमाम दिग्गज इसमें शामिल किए गए हैं। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कैंपेन कमेटी 32 सदस्य और कमान भूरिया को। जी बिल्कुल अली जी, देखिए चुनाव अभियान समिति बेहद महत्वपूर्ण होती है चुनावों के लिहाज से, और इस पूरी समिति में अगर आप कांग्रेस की नजर डालें तो देखिए चेयरमैन जिन्हें बनाया गया है वो हैं कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, और मौजूदा एक सीनियर विधायक भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं के तौर पर वो जाने जाते हैं, और उनके बेटे विक्रांत भूरिया इस समय मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मध्यप्रदेश में 47 सीट जो है वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की जो कवायद है वो हर सूची में जो है वो नजर आ रही है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मुखर है। इसके अलावा 32 सदस्य इस पूरी समिति में हैं जिसमें तमाम बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव जैसे जो सुरेश पचौरी जैसे जो नाम है वो तो इस सूची में है ही, और वो ज्यादातर नाम भी इस सूची में है जो कांग्रेस की सरकार के दौरान जब 15 महीने कमलनाथ सरकार रही तो उस दौरान जो मंत्री थे उन तमाम नेताओं को भी शामिल किया गया है, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, जीतू पटवारी हो, बाला बच्चन हो, विजय लक्ष्मी साधो हो, ये सारे नाम भी आपको सूची में मिलते हैं। माइनॉरिटी की अगर आप प्रतिनिधित्व की बात करें तो आरिफ मसूद जो भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस के विधायक है उनका नाम भी वहां पर शामिल किया गया है। शोभा ओझा जो सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की प्रभारी है मध्यप्रदेश की वो वहां पर शामिल है। राजीव सिंह जो मध्यप्रदेश के संगठन प्रभारी है वो भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है, और चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं उन्हें समिति में शामिल किया गया है, और एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अध्यक्षों को भी इस पूरी जो सूची है चुनाव अभियान समिति की उसमें जगह दी गई है। अब जल्द ही इस पूरी समिति की एक बैठक होगी और आने वाले समय में मध्यप्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने का क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कांग्रेस का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, उन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, और इसको लेकर ही फिर कांग्रेस के तमाम नेता हो, कार्यकर्ता हो, प्रत्याशी हो, जो ये समिति जो गाइडलाइंस तय करेगी उन्हीं गाइडलाइंस और उन्हीं नक्शे कदम पर आगे चलकर अपना चुनाव अभियान चलाएंगे, चुनाव पहचान करेंगे। जी पहला सवाल जब मैंने आपसे वासु पूछा तो सहसा 2018 की कुछ यादें ताजा हो गईं। तब कैंपेन समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिंधिया के पास थी, पूरा चुनाव एक तरह से महाराज बनाम शिवराज सेंट्रलाइज रहा, और अब जबकि बहुत सारा पानी नर्मदा में बह गया है यह कैंपेन कमेटी, यह याद आएगा और बार बार इसे दोहराया भी जाएगा। वासु, इस ने जिस तरीके से 2018 में एक सदा हुआ इलेक्शन कैंपेन चलाया था और यही वजह थी कि कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उथल पुथल मची उसका एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और 15 साल बाद बनी बनाई सरकार कांग्रेस की मध्यप्रदेश से चली गई। अब कांग्रेस बहुत सोच समझ के एक बार फिर से आगे बढ़ेगी और संधे हुए और मजे हुए नेताओं के हाथ में जो कमान है वो देखी जा रही है, चाहे ये समिति की बात करें या इससे पहले जो समितियां बनाई गई है, चाहे ऑब्जर्वर की बात करें तो जो
दिल्ली से जो तमाम नेता यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो सभी बहुत विश्वसनीय, और गांधी परिवार को लेकर भी जब जब बातें होती हैं तो लगातार फीडबैक लेने का काम जो है वो देने का काम जो है वो नेताओं की ओर से किया जाता है। कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही एक इशारा है कि अब जो चुनाव अभियान समिति है और वो पूरी तरह से एक सामंजस्य के साथ काम करे और सभी वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व मिले, ये सुनिश्चित करने का काम किया गया है। अब देखने वाली बात होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एक चुनाव प्रचार करने का तरीका था 2018 का आप जिक्र रहे थे, वो बहुत एग्रेसिवली अपनी बात को रखते थे और मंच से जब वो भाषण देते थे तो उनका अलग अंदाज होता था। अब कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान जो है वो कितना अटैकिंग होगा, कितना एग्रेसिव होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। जी सामंजस्य, यही दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। वासु बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद आज से शुरू होगी और प्रदेश भर में मतदाता जन जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश के सभी 52 जिलों में ये मतदाता जन जागरूकता अभियान का वाहन पहुंचेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाना है, इसका प्रचार प्रसार होना है। 52 जिलों की सभी विधानसभा में ये वाहन पहुंचेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में दोपहर 12:45 पर ये अभियान शुरू होगा। और रायपुर पुलिस ने किया है बड़ा एक्शन। पुलिस ने एक साथ 17 जगहों पर छापे की कार्रवाई की है। 6 सीएसपी 12 थानेदार इनकी अगुवाई में छापे की कार्रवाई की गई है। 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। हर बार इस तरह के एक्शन के बाद अपराधियों में हड़कंप मचता है, इसके बाद वो फिर वारदात को अंजाम दे देते हैं। इस बार का हड़कंप कितना कारगर होगा ये समय पर। छापे की कार्रवाई की गई है, 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। वारंटी, निगरानी बदमाश, असामाजिक तत्व, ये अलग अलग कैटेगरी है पुलिस के रोजनामचे में जो अलग अलग कैटेगरी होती है। एक साथ दबिश दी गई है, 17 जगहों पर छापे की कार्रवाई की गई है। 6 सीएसपी 12 थानेदारों की अगुवाई में छापे की ये कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए। कानून व्यवस्था के लिहाज से रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पुलिस ने एक साथ 17 जगहों पर दबिश दी। इस पूरी ये जो पूरा ऑपरेशन था ये 6 सीएसपी की अगुवाई में चल रहा था। 12 थानेदार इसमें शामिल थे। पूरा पुलिस जाप्ता, पुलिस बल इसमें शामिल था। 100 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें वॉन्टेड थे, जिन पर निगरानी चल रही है वो बदमाश थे, जो असामाजिक तत्व हैं जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी वो शामिल थे। इन सब को पकड़ा गया है। पुलिस के बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था में कसावट लाने के इरादे से, रायपुर में कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाने के इरादे से एक साथ 17 जगहों पर दबिश दी गई। छापे की इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में, असामाजिक तत्वों में, वारंटियों में और जो ऐसा करने की सोच रहे थे उनमें हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर से बड़ा अपडेट, एक्सप्रेसवे पर लूटकांड के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निजी कंपनी के कर्मचारियों से लूट की गई थी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो लूटकांड का यह मामला है। एक्सप्रेस वे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। निजी कंपनी के कर्मचारियों से लूट की गई थी और अब 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है।
खबर दुर्ग से, जहां एक मुन्ना भाई धरा गया है। एक युवती ने शिकायत की थी और उसकी शिकायत पर एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। अब तक जो जानकारी मिली है, आरोपी लखनऊ का रहने वाला है और मेडिकल की परीक्षा देने के लिए ये पहुंचा हुआ था। एक युवती ने इस बात की शिकायत की और फिर इसे पकड़ लिया गया। इससे पूछा जा रहा है मुन्ना भाई और कौन कौन इस पूरी गैंग में इसके साथ है, ये तमाम जानकारी इससे ली जा रही है। देवास के खातेगांव की तहसील नेमावर में 35 मुस्लिम परिवारों के तकरीबन 190 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। ये घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र नेमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुई। संत राम स्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चार किया, शुद्धिकरण करवाया। सबसे पहले मुंडन संस्कार हुआ, फिर मां नर्मदा में स्नान करवाकर जनेऊ संस्कार हुआ, उसके बाद हवन में आहुति देकर नामकरण किया गया। सनातन में वापसी करने वाले लगभग 55 पुरुष, 50 महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। आज ऐसा हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए दो तीन पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है। क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। मैं जो पहले हमारे जो गुरु जी हमको बनाए, पहले मेरे नाम मोहम्मद शाह था, बाद में राम सिंह बना, तो हमारे गुरु जी के से बनवाए और जो भी काम किए हमारे गुरु जी ने किए, और जो मालिक चाहेगा जो गांव में है जिसके लिए हम भटकते फिरेंगे कहेंगे कि बनना है। इधर खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आदिल पठान ने विधि विधान से सनातन को अपना लिया और अब वो बन गया है आदित्य आर्य। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विधि विधान से आदिल से आदित्य बनने की प्रक्रिया पूरी हुई है। सावन की चौथे सोमवार पर युवक ने महादेवगढ़ मंदिर में पहले मुंडन करवाया, फिर दूध दही समेत 10 पदार्थों से स्नान कर पूजन अर्चन किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। युवक ने इसे अपनी घर वापसी बताया है। मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए, तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ, और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है ये सारी चीजें मैंने अपने मन दिल दिमाग सारी चीजें खुद ने किया, मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। ये आदिल जी जो है ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ, दर्शन के लिए ही आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।